Mangalam Bhagavan, Viro, Mangalam Agutama, Prabhu, Mangalam Suli, Patradia, Jaino, Dharmostu Mangalam. Visara Fulinga, Mantam, Kante, Dare, Jo Samano, Tasaka. This may kya hai ki Jobi Manushya. ये विसहर फुलिंग नाम का जो मंत्र है जो भी मनुष्य सदा वो उसका ये स्मरण करता है फोकस्ड मन से कंसंट्रेशन के साथ इस मंत्र का जाप करता है उस मनुष्य का जो भी दुष्ट ग्रह होते हैं ग्रह यानी कि यहां पे दुष्ट ग्रह मतलब कि जैसे कि किसी को कुंडली में किसी का शनि भारी है किसी की शनि की साड़ी सती लगी हुई हो या फिर मंगल ग्रह भारी हो या फिर सूर्य नीच का हो ये सब होता है ना तो किस वो कहलाया जाता है कि दुष्ट ग्रह सच में ग्रह दुष्ट नहीं होते जो हमारे पूर्व कर्मों हमने पूर्व भव में जो भी कर्म किए हो अशुभ कर्म किए हो उनके फल के रूप में ये इस प्रकार की नेक्स्ट भव में हमारी ये कुंडली दिखाती है कि हमने इस प्रकार के कर्म किए हैं और उसके वजह से हमें ये सब अशुभ फल की प्राप्ति होगी तो ग्रह के जो पोजीशंस होते तो वो ये सब बताते हमें ग्रह सच में दुष्ट नहीं होते पर दुष्ट हमारे खुद के किए हुए कर्म होते हैं खास ध्यान रखना है बराबर तो हम तो कई सारे लोग क्या करते हैं कि ग्रह जो है ना जैसे कि सूर्य शनि मंगल केतु राहु ये सब के मालाएं गिनने बैठते हैं तो उनको लगता है कि ग्रहों को प्रसन्न करोगे तो फिर जो भी अशुभ जो भी फल होंगे तो वो हट जाएंगे पर ऐसा नहीं होता है ये ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पे क्या है कि जो भी ग्रह है वो सारे के सारे कौन है वो सारे देवताएं हैं बराबर वहां पे जो ग्रह है वो सब देव विमान है और उसके अंदर ज्योतिष के देव वहां पे विराजमान होते हैं तो वो कुछ प्रसन्न नहीं होते ये ध्यान रखना है आप ग्रहों को प्रसन्न मतलब कि देवताओं को प्रसन्न करने बैठोगे तो कुछ आपका पुण्य कर्मों का बंध नहीं होने वाला है ये खास ध्यान रखना है इनफैक्ट क्या होगा मिथ्यात्व के आवरण और भी गाढ़ होते जाएंगे आपके आत्मा प्रदेशों पर तो आपको जो ये सब जो भी ग्रह होंगे ग्रह की शांति के लिए आपको जो करना है तो क्या करना है ये जो पार्श्वनाथ भगवान के या फिर कोई भी हमारे 24 तीर्थंकर भगवंत हैं उनके स्मरण या फिर ये उवसाघरम स्तोत्र इसका स्मरण आप करोगे तो क्या होगा ऑटोमेटिकली जो भी अशुभ फल इन ग्रहों के अमुक पोजीशंस के वजह से कुछ जो भी अशुभ फल आपको प्राप्त होने वाले हो सच में तो पोजीशंस की गलती नहीं आपके खुद के कर्मों आपने जो पूर्व भव में किए उसकी गलती है उस कारण इस प्रकार के वो टाइम पे आपका जन्म हुआ है जिस टाइम पे वो ग्रहों की पोजीशन यहाँ वहां जहां होती है वहां होती है तो ये ध्यान रखना है कि उस वजह से जो भी अशुभ फल होंगे तो वो सब नाश हो जाएंगे क्योंकि कर्म नाश होंगे तो कर्म ही नाश हो जाएंगे तो कर्म उदय में नहीं आएंगे तो अशुभ फल भी नहीं दिखलाएंगे बराबर तो आपको क्या करना है बस भगवान का स्मरण करना है उनका जाप करना है यही एक ही सोल्यूशन है खास ध्यान रखना है फिर आगे क्या बताया है कि रोग फिर मार तो रोग मतलब कि कई सारे अनेक प्रकार के जो भी डिसीजेस होते हैं इन्फेक्शन डिसीजेस जो भी कुछ भी हो तो वो सारे के सारे रोग भी शांत हो जाते हैं फिर मारी मतलब कि मर की मतलब कि कोई भी एपिडेमिक्स हो प्लेग हो कोई भी प्रकार के मारी मर कोई भी हो जैसे कि कोरोना का जो पेंडेमिक हुआ था वो सारे के सारे इस सब और ये सब शांत हो जाते हैं फिर आगे दुष्ट मतलब कि दुष्ट जरा मतलब कि ताव मतलब कि फीवर मतलब कोई भी प्रकार इस प्रकार का दुष्ट ताव हुआ हो विषम से विषम ताव हुआ हो तो वो भी नाश हो जाता है शांत हो जाता है यहाँ पे है जंती मतलब कि जाता है मतलब वो मिट जाता है ठीक हो जाता है फिर उवसामम मतलब कि उपशांत हो जाता है बराबर मतलब सारे के सारे जो भी ग्रह हैं फिर रोग मरकी ये सारे के सारे शांत हो जाते हैं कौन से मंत्र जाप करने से ये विसहर फुलिंग मंतम ये जो ये जाप मंत्र है वो निरंतर एकाग्र मन के साथ इसका जाप करने से ये सब होता है पर आगे क्या लिखा है शास्त्रकार भगवंतों ने कि चिट्ठो दूरे मंतो मतलब दूर रहे ये मंत्र मतलब ये मंत्र जो हमें यहाँ पे बताया गया तो ये मंत्र की बात हम दूर रखते हैं बराबर अभी इस मंत्र के बारे में हम बात नहीं करेंगे पर आगे क्या है कि तुझ मतलब कि आपको प्रणामो भी मतलब कि आपको किया गया प्रणाम
आपको किसको, मतलब कि पार्श्वनाथ भगवान को किया गया प्रणाम, वो भी क्या है, बहु फलो होई, मतलब कि बहुत सारे कई फल देने वाला बनता है, मतलब कि क्या है इसमें, क्या कहलाया गया कि इस मंत्र की बात हम साइड में रखते हैं, बराबर, ये मंत्र की बात हम साइड में रखते हैं कि मंत्र के जाप से ये सब होता है, पर ये मंत्र का तो कुछ शक्ति नहीं, बस प्रभु पार्श्वनाथ प्रभु है, पार्श्वनाथ भगवान आपका नाम मात्र क्या है यहाँ पे, नाम मात्र नहीं, आपको सिर्फ प्रणाम करने से ही, मतलब आपको झुक के नमस्कार करने से ही कई बहुत सारे फल की प्राप्ति होती है। और क्या होता है, नर तिरी एसुवी, नर मतलब कि, नर मतलब मनुष्य, तिरी एसुवी मतलब कि, एंड तिरियंच वगैरह सब बाकी की गतियों में भी जीवा पावंती न दुख दोहगम, जीवा मतलब कि जीवों को, मतलब जो भी ये सारे गतियों में होते हैं, चार के चार गतियों में रहने वाले जो जीव हैं, फिर पावंती न कि उनको नहीं प्राप्त होती दुख, और दोहगम मतलब कि दुर्भाग्य, मतलब कि उनकी कोई प्रकार की दुर्दशा नहीं होती, दुख की प्राप्ति नहीं होती, क्या करने से, मात्र आपको प्रणाम करने से, क्या बताया यहाँ पे प्रभु पार्श्वनाथ भगवान को, मात्र भाव पूर्वक प्रणाम करने से ये सब इतने सारे फलों की प्राप्ति होती, और ऐसी ऐसी इंद्रियों जैसी गतियों में भी जीवों को दुख और दुर्भाग्य की प्राप्ति नहीं होती, सोचो, और मनुष्य के भाव में भी। तो हमें बाकी सारे मंत्रों के पीछे भागने से अच्छा क्या करना है, पार्श्वनाथ भगवान का नाम स्मरण करना, उनको नमस्कार करना है भाव पूर्वक। फिर आगे क्या है, तुह मतलब कि आपका, सम्मत्ते लद्धे, सम्मत्ते मतलब कि सम्यक दर्शन गुण या फिर सम्यक्त्व, लद्धे मतलब कि जब प्राप्त होता है, मतलब कि आपका सम्यक दर्शन प्राप्त करके, फिर आगे क्या है, चिंतामणि मतलब कि चिंतामणि रत्न, फिर आगे क्या है, चिंतामणि रत्न मतलब कैसा होता है, वो एक प्रकार का ऐसा रत्न होता है कि मात्र आपको उसके सामने खड़े रह के बस आपको इच्छा करनी है, मतलब कि मन में कुछ सोचना है, चिंतन करना है, बस चिंतन करने से ही आपको जो भी इच्छित फल होगा उसकी प्राप्ति हो जाएगी, इस प्रकार का प्रभाविक होता है ये चिंतामणि रत्न। और साथ ही साथ आगे क्या बताया, कप्प पाय वभ ही, कप्प पाय मतलब कि कल्प वृक्ष, वभ ही मतलब कि उससे भी ज्यादा अधिक, मतलब कल्प वृक्ष से भी ज्यादा अधिक, क्या मतलब कल्प वृक्ष होता क्या है, वो एक 10 प्रकार के कल्प वृक्ष होते हैं, मतलब ट्रीज होते हैं, वनस्पति का एक रूपी ट्रीज होते हैं कल्प वृक्ष के, तो उसके सामने जो भी युगलिक होते हैं वहां पे सामने खड़े रह के कुछ भी इच्छा करते हैं, इच्छा व्यक्त करते हैं, तो वो सारे के सारे इच्छाओं का, मतलब जो भी वो मांगेंगे वो सब मिल जाता है इन कल्प वृक्ष के आगे इच्छा करने से, क्योंकि वो देव अधिष्ठित होते हैं इस कारण। तो ये चिंतामणि रत्न और कल्प वृक्ष से भी ज्यादा, यहाँ पर पर अधिक मतलब उससे भी ज्यादा क्या है, पावंती अविघेणम, पावंती मतलब कि प्राप्त होता है, और अविघेणम मतलब कि निर्विघ्न, बराबर, तो निर्विघ्न मतलब कोई भी विघ्न के बिना इजीली प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, जीवा मतलब कि जीवों को, किसको प्राप्त होता है, जीवों को, पर क्या प्राप्त होता है, अयरामरम ठाणम, अयरामरम मतलब कि अजरामर, ऐसा ठाणम मतलब कि स्थान, तो अजरामर कौन सा स्थान होता है, बस एक ही स्थान होता है, वो है मोक्ष, बराबर, क्योंकि अजरामर क्यों कहलाया गया, क्योंकि वहां पे अजरामर मतलब वहां पे जरा भी नहीं है और मरण भी नहीं है, मतलब न जन्म है न जरा न बुढ़ापा वृद्धावस्था कुछ नहीं है और मरण भी नहीं है, मतलब जन्म मरण रोग बुढ़ापा ये सब जो भी दुख का साइकिल से हमें गुजरना पड़ता है हर एक भव में, तो वो सब कुछ है ही नहीं, इस प्रकार का केवल एक ही स्थान है, वो है मोक्ष स्थान, मतलब कि सिद्ध क्षेत्र में जो भी सिद्ध अवस्था प्राप्त कर लेते हैं, जो भी आत्मा सिद्ध भगवंत बन जाते हैं, खुद का स्वयं का जो स्वरूप है, सच्चा स्वरूप है, उसकी प्राप्ति जिनको भी हो जाती है, तो उनको कहला जाता है कि उन्होंने मोक्ष की प्राप्ति कर ली, बराबर, तो इस प्रकार की आत्मा की जो अवस्था है वो किसके वजह से प्राप्त होती है,
वो भी इतने इजीली, यहाँ पे क्या है, निर्विघ्न, मतलब कि बहुत इजीली विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन के, विघ्न के बिना इजीली किसके वजह से प्राप्त होती है, प्रभु के मात्र मतलब पार्श्वनाथ भगवान के द्वारा इतना इजीली ऐसा प्राप्त हो सकता है। क्या और क्या क्या बोला है, सम्यक्त्व, आप किस वजह से प्रभु के द्वारा सम्यक दर्शन गुण की प्राप्ति होती है, बराबर, सम्यक दर्शन गुण की प्राप्ति होने के कारण जीवों को इजीली चिंतामणि रत्न और कल्पवृक्ष से भी अधिक इजीली क्या मिल जाता है, मोक्ष की अवस्था प्राप्त हो जाती है। और दूसरी बात यह भी है कि जो चिंतामणि रत्न है और कल्पवृक्ष है, इसमें इतना ताकत नहीं है कि आपको मोक्ष की अवस्था जो आप मांगोगे तो ये दे पाएगा, इतना ताकत नहीं है इसमें, ये सिर्फ पौद्गलिक वस्तु ही दे पाएगा आपको, वो भी आपके पुण्य कर्मों के अनुसार, बराबर, आपके पुण्य कर्मों रहेंगे तो ही ये मिल पाएगा, ऐसा ही है। और ये एक पृथ्वी का रत्न है और ये कल्पवृक्ष वो क्या है, देव अधिष्ठित वनस्पति का है, तो ये आपको कोई मोक्ष की अवस्था आपको दिला नहीं पाएगा, सिद्ध अवस्था आपको दिला नहीं पाएगा, इतना इसमें सामर्थ्य नहीं है। और जितना ऐसा इच्छा करने से वो जिस तरीके से पौद्गलिक वस्तु दे सकता है, उससे भी बहुत ज्यादा इजीली प्रभु के द्वारा सम्यक दर्शन गुण प्राप्ति करने से हमें मोक्ष की अवस्था प्राप्त हो जाती है सभी जीवों को, तो ये बताया है। फिर आगे क्या है, इयो संथुओ, मतलब इस प्रकार से, इस इयो मतलब कि इस प्रकार से, संथुओ मतलब कि इस प्रकार से आपकी स्तवना, मतलब पार्श्वनाथ भगवान की स्तवना की गई है। फिर आगे है महायस, मतलब कि हे महायशस्वी, तो ये सारे प्रभु को उपमा दी गई है अलग अलग। फिर आगे है भक्ति भर, मतलब कि भक्ति, बहुत ज्यादा भक्ति भरे हुए हृदय से, मतलब बहुत ज्यादा भक्ति भाव से। फिर निभरेण, मतलब कि भरपूर भक्ति से भरपूर। फिर हिय एण, मतलब कि हृदय से, मतलब बहुत ज्यादा भक्ति भरे भावों से। ता देव, मतलब कि तो हे देव। दिज्ज, मतलब कि प्रदान करना या फिर देना हमें, क्या देना, बोहिम, मतलब कि सम्यक दर्शन, बोहिम मतलब कि बोधि बीज, बोधि बीज को क्या कहला जाता है, सम्यक दर्शन गुण या फिर सम्यक्त्व। भवे भवे, मतलब भवो भव, मतलब कि हर एक भव में। पाश झिण चंद्र, मतलब कि हे पार्श्व झिण चंद्र, तो इस प्रकार से लास्ट में अपने पार्श्वनाथ भगवान को यहाँ पे उपमा, कई सारी उपमाओं से स्तवना की गई है। और ये जो उवसग्रम स्तोत्र में भी जिस तरीके से प्रभु की स्तवना की गई है, फिर एंड में क्या हमने मांगा है प्रभु से, कि इस प्रकार से भक्ति के भरे हुए, भक्ति से भरे हुए हमारा जो हृदय है, इससे हम क्या मांग रहे हैं कि हमें हर एक भाव में सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो और जल्दी से जल्दी मोक्ष की अवस्था की भी प्राप्ति हो, बराबर, तो इस प्रकार से हमने मांगा है। और दूसरी बात ये भी हमें ध्यान रखना है कि जो ये उवसग्गहरम स्तोत्र है, तो ये उवसग्गहरम स्तोत्र किन्होंने रचना, इसकी रचना किसने की है, तो वो है श्री भद्रबाहु स्वामी जी ने। और ये कौन थे, इस अवसर पीणी के सबसे लास्ट जो 14 पूर्वधर थे ने, तो वो सबसे लास्ट थे, ये ध्यान रखना है। इसके बाद कोई भी टोटल 14 पूर्वों का अर्थ सहित ज्ञान किसी और को हुआ नहीं है इस अवसर पीणी काल में, तो सबसे लास्ट वाले अर्थ सहित ज्ञान जिनको था, मतलब कि कह सकते कि श्रुत केवली, तो ये श्रुत केवली थे, इन्होंने स्वयं, इन्होंने इसकी रचना की स्तोत्र की। तो आप सोच सकते हो कि श्रुत केवली यानी कि कैसे होते हैं, कि जो केवल ज्ञानी होते हैं उनको जितना ज्ञान होता है, बराबर, केवली भगवंत जितना ज्ञान, और जिस तरीके से सब वस्तुओं का स्वरूप का वर्णन कर सकते हैं, बस उसी प्रकार से, सेम टू सेम प्रकार से ये जो भी श्रुत केवली होते हैं, यानी कि जो भद्रबाहु स्वामी जी थे, वे 14 पूर्वधर थे, तो वे भी केवल ज्ञानी भगवंत के जैसे ही सब कुछ वर्णन कर सकते थे, इतने ज्ञानी थे वे। और इस अवसर पीढ़ी के सबसे लास्ट श्रुत केवली थे। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना कि वो सेवंथ पट्टधर है, बराबर, कौन है, सेवंथ पट्टधर, ये ध्यान रखना है। दूसरी बात ये उवसग्गहरम स्तोत्र का दूसरा नाम क्या है, श्री उपसर्गहर स्तोत्र। और इतना प्रभावी है ये मंत्र
ये मंत्र समान, एक एक लेटर ये मंत्र समान है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो भी मासिक धर्म में हो तो उनको ये सुनना भी नहीं है कानों से, कह बोलना भी नहीं है होठ, मतलब ये टंग से बोलना भी नहीं है, इसका मंत्रोच्चार नहीं करना है ना तो सुनना है, ये ध्यान रखना है बराबर। और इसका बिल्कुल भी अर्थ का अनर्थ नहीं करना है, जिस प्रकार से प्रोनाउंसिएशन है वही प्रकार से कहना है, गड़बड़ नहीं करनी है, ये ध्यान रखना है। फिर अभी हम ये शॉर्ट में एक स्टोरी सुन लेंगे कि ये स्तोत्र की रचना किस प्रकार से की गई थी। तो श्री भद्रबाहु स्वामी जी थे और उनके एक भाई थे, कौन थे भाई, वराह मिहिर थे, ये दोनों ने दीक्षा ग्रहण की थी, दोनों जैन मुनि थे। फिर आगे बहुत ज्यादा ये जो अपना श्रुत ज्ञान है उसका अध्ययन कर करके भद्रबाहु स्वामी जी को आचार्य पदवी प्रदान की उनके गुरु महाराज साहिब ने बराबर, और वो भी पहले प्रदान की, क्यों, क्योंकि उन्होंने 14 पूर्व पहले उन्होंने स्टडी कर लिया था। तो उनके जो भाई महाराज साहिब थे वराह मिहिर जी, तो उनको ईर्ष्या हुई, मतलब कि जेलसी हुई, और उन्होंने क्या किया, दीक्षा का ही त्याग कर लिया। और फिर बाद में वे क्या बने, ज्योतिष बनी गए, मतलब कि दीक्षा त्याग के वे क्या करने लगे, ज्योतिषी बन गए वे। और इस प्रकार से उनको ये सब ज्ञान तो बहुत ज्यादा था ही, तो इस कारण ज्योतिषी का जो भी वो कर रहे थे, ज्योतिष शास्त्र का बहुत ज्यादा ज्ञान था, उस वजह से वे प्रख्यात बन चुके ज्योतिषी के लिए, एज अ ज्योतिषी वे प्रख्यात पॉपुलर बन गए। फिर बाद में वे क्या करने लगे, उनको जैन धर्म पर द्वेष जाग गया था, क्योंकि ये सब हुआ क्योंकि ईर्ष्या के कारण उनको द्वेष भाव चालू, मतलब उनके हृदय में आ गया जैन धर्म के ऊपर, और उस कारण उन्होंने जैन साधुओं की निंदा करने लग वो स्टार्ट हो गए। फिर आगे वहां पे जो राजा एक था, तो राजा का नाम था जीत शत्रु, तो ये राजा जो था तो उसका एक पुत्र का जन्म हुआ, तो तब ये वराह मिहिर नाम का ये जो ज्योतिषी थे, तो उन्होंने क्या कहा कि आपका, मतलब उन्होंने बधाई दी कि ये राजा थे उनकी, उनको बधाई दी कि आपका पुत्र का जन्म हुआ, और आपका जो पुत्र है तो वो पुत्र कितना 100 ईयर्स तक वो जिएगा, इस प्रकार का उन्होंने प्रेडिक्शन किया, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में बता सकते हैं ना कि कितने आयुष्य, मतलब जो परफेक्टली जिसको आता है ज्योतिष शास्त्र, तो वो बता सकता है कि कितने साल कोई जिएगा, कब घात आएगा, सब कह सकते हैं ना अच्छे से। तो उन्होंने ऐसा कहा, प्रेडिक्शन दिया बराबर, इनके पुत्र कितना 100 ईयर्स जिएगा, इस प्रकार से प्रेडिक्शन किया। पर श्री भद्रबाहु स्वामी जी उन्होंने क्या कहा, और उनको अभी कहना जरूरी क्यों था, क्यों, क्योंकि वराह मिहिर क्या कर रहे थे, वहां प्रख्यात तो हो चुके थे एज अ ज्योतिषी, बट साथ ही साथ वे जैन धर्म, जैन साधुओं की निंदा करने लगे। तो श्री भद्रबाहु स्वामी जी ने क्या कहा, उन्होंने देखा इस पुत्र का जो भी कौन से टाइम पे जन्म हुआ ये वो सब उनको, वे तो श्रुत केवली लेवल के थे ना भद्रबाहु स्वामी जी, तो उनको सब पता चल गया कि ये पुत्र जो है तो वो कुछ 100 ईयर्स तक नहीं जीने वाला है, पर कितना जीने वाला है, उन्होंने क्या कहा, प्रेडिक्शन लगाया देख के प्रॉपरली, सब कुछ शास्त्र का ज्ञान सब लगा उपयोग में लगा के उन्होंने क्या देखा कि इस ये बालक तो इसका मृत्यु तो 7th डे पर ही होने वाला है। तो इस प्रकार से उन्होंने राजा को कहा कि इसका मृत्यु 7th डे पर हो जाएगा, और साथ ही साथ तो फिर राजा ने बोला, पूछा इनको कि तो मृत्यु का कारण कौन बनेगा, तो श्री भद्रबाहु स्वामी जी ने कहा कि एक कैट जो ये होती है ना बिल्ली, तो बिल्ली होगी जो इस बालक के मृत्यु का कारण बनने वाली है, इस प्रकार का ऐसा प्रिडिक्शन किया। तो राजा ने क्या 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 किया, जीत शत्रु ने सारी की सारी बिल्लियों को निकाल दिया उस गांव से, एक भी बिल्ली बची नहीं उस गांव में। अभी बिल्ली नहीं बचेगी तो बालक का मृत्यु होगा ही कैसे। पर फिर क्या हुआ, 7th डे आया बराबर, 7th डे आया मतलब कि पुत्र के जन्म के बाद का 7th डे आया। तब क्या हुआ, अचानक से क्या हुआ, एक बिल्ली के आकार का ही एक जो वो कड़ी होती है ना डोर लगाने वाली जो कड़ी होती है, तो वो उस बालक के ऊपर गिरी और वहीं उस कारण से बालक का मृत्यु वहीं हो गया। तो उस समय क्या हुआ,
जो भद्रभाव स्वामी जी ने जो प्रिडिक्शन जो शास्त्र ज्ञान के द्वारा परफेक्ट प्रिडिक्शन किया तो वो सच हो गया, पर जीत शत्रु ने जो अरे सॉरी ये वराह मिहिर ज्योतिषी ने जो प्रिडिक्शन किया 100 ईयर्स जिएगा बालक ये वो, तो वो तो वहां वहीं पे रॉन्ग साबित हो गया। तो इस कारण वराह मिहिर की वहां पर लोगों में निंदा होने लग गई कि ये तो ठग है, पाखंडी है, जो कह रहा है सब गलत कह रहा है, बराबर। इस कारण जो साधु भगवंतों को भी जो ये बदनाम कर रहा है वो भी सब गलत है। और वहां पे भद्रबाहु स्वामी जी की प्रशंसा होने लग गई कि इनका शास्त्र ज्ञान जो श्रुत ज्ञान शास्त्र ज्ञान कितना परफेक्ट है, सटीक है, कि परफेक्ट इन्होंने प्रिडिक्शन किया। और एक निमित्त शास्त्र कथन में भी वराह मीर गलत साबित हुए थे, और एक छोटा सा इंसिडेंट था वहां पर भी ये गलत साबित हुए थे, और भद्रबाहु स्वामी जी वहां पे राइट साबित हुए थे। तो फिर वराह मिहिर ये सब सहन नहीं कर पाए, उनको उनके जो ये निंदा होने लगी वहां पे लोगों में, तो वो सहन नहीं कर पाए और उन्होंने क्या किया, तापसी दीक्षा स्वीकारी वहां पर, बराबर। तो अभी वे क्या बन गए, तापस बन गए। और फिर वहां पर वे क्या करने लगे, बहुत ज्यादा काय कलेश करने लगे, और बहुत ज्यादा उनके मन में द्वेष भाव था, और उस द्वेष भाव के साथ वो सब तप त्याग वो सब करने लगे। पर आपका जो आशय ही गलत है, अंदर इतने सारे कषाय भरे हैं, तो आपका जो भी ये तप त्याग होगा कुछ भी होगा तो वो सब निष्फल जाएगा ना। उससे क्या होगा, संसार की वृद्धि होगी, आगे जाके क्या होगा, फिर आगे जाके दुर्गति मिलेगी। तो इस कारण हमें कभी भी जो हम कुछ भी जीवन में तपस्या करें, तप त्याग कुछ भी करें, व्रत ग्रहण करें, तो वो सब किसी के प्रति द्वेष भाव रख के नहीं करना है, ये खास ध्यान रखना है। जो अगर हम कोई भी प्रकार की दीक्षा लें तो वो मोक्ष के लिए ही लेनी चाहिए, और सभी कोई भी जीव के ऊपर द्वेष भाव वैर जहर ये सब नहीं रखना चाहिए, तो सब निष्फल जाता है। तो इस कारण अभी इतना सब काय क्लेश किया, इतना मेहनत किया, बना हुआ क्या उसका फल, आगे जाके वे व्यंतर देव बने। नेक्स्ट भाव में देव भाव तो मिला, पर कैसा व्यंतर देव बने, और साथ ही साथ उनको जो पूर्व भाव में जो जैन धर्म के ऊपर जो वैर भाव था, द्वेष भाव था, उस कारण उन्होंने क्या किया, जो जैन संघ था, जैन संघ था जहां पे श्री भद्रभाव स्वामी जी विराजमान थे, वो वहां का जो जैन संघ होगा, तो वहां पर वे उपद्रव करने लग गए दिव्यंतर देव। तो उसे कितना पाप कर्मों का बंध हुआ होगा, सोचो आप, सोच सकते हो कि जो संग होता है साधु साध्वी श्रावक श्राविका, उसको 25th तीर्थंकर की उपमा दी गई है, उसे कहलाया जाता है धर्म तीर्थ। तो उसकी अवहेलना जो करे उसके कितने पाप कर्मों का बंध होता है, मात्र निंदा से इतना पाप कर्म होता बंध होता है, तो सोचो इतना उपद्रव करने से क्या होता होगा। क्योंकि इसी संघ में से कई सारे आगे जाके साधु बनेंगे, साध्वी बनेंगे, आचार्य बनेंगे, कई सारे अरिहंत भगवान भी बन सकते हैं, सिद्ध भगवान भी बनने वाले होंगे, तो उनके आशात न करने से कितना पाप कर्मों का बंध होता होगा। तो इस प्रकार से ये उपद्रव करने लगा ये देव यंत्र देव, और उसने क्या किया वहां पर, मरकी नाम का जो ये रोग है, महामारी रोग है, वो उसने फैला दिया इस देव ने, बराबर। तो ये महामारी फैला दी, एपिडेमिक फैला दिया। तो जैन संघों ने फिर जाके सबने मिलके क्या किया, विनंती की भद्रबाहु स्वामी जी से कि ये आप इसका कुछ उपाय दो, ये सब हम कितने सारे हों की मृत्यु हो रही, आप कुछ उपाय करो, कुछ हमें करो, हेल्प करो। तो श्री भद्रबाहु स्वामी जी ने क्या किया, तब इस समय में उन्होंने श्री संघ की रक्षा करने के लिए उन्होंने वहीं पे श्री उवसग्गहरम स्तोत्र, ये जो स्तोत्र हमें दिखाई दे रहा है, तो इस स्तोत्र की रचना की। उवसग्गहरम का नाम ही क्या है, दूसरा नाम क्या है, श्री उपसर्ग हर स्तोत्र, मतलब ये जो उपसर्ग किया है इस देव के द्वारा, तो उसके शांति के लिए यहाँ पे इस स्तोत्र की रचना की। और इससे जो ये उपद्रव का जो ये मरकी का जो उपद्रव था वहीं पे शांत हो गया। तो आप सोच सकते हो कि कितना प्रभावी होगा ये स्तोत्र, साथ ही साथ देवता द्वारा अधिष्ठित भी किया ये भद्रबाहु स्वामी जी ने, बराबर। तो ये जो स्तोत्र है, तो ये स्तोत्र हम क्या फिर ये जो स्तोत्र है वो ज्यादा इस जितनी गाथाएं हैं इससे तो ज्यादा बड़ा ही था, बट बाद
और ये स्तोत्र ऐसा था कि हम कोई भी इसका जो एकाग्रता पूर्वक जो जाप करे, तप सहित जाप करे, तो वहीं पे देवता हाजिर हो जाते थे ऑन द स्पॉट, और जो भी मनवांछित फल होता था तो वो वहां पे वो पूरी करते थे। तो इस कारण फिर वो मिसयूज होने लगा इस स्तोत्र का, तो इस कारण फिर बाद में आगे की जो गाथाएं हैं वो वहां पे फिर लोप कर दी गई। अभी इतनी ही अवेलेबल है अपने पास, पर ये नहीं सोचना है कि इस स्तोत्र में फिर अभी प्रभाव नहीं रहा, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। इसमें श्री पार्श्वनाथ भगवान का नाम स्मरण स्तवना की गई है, तो इस कारण हमारे कई सारे कर्मों की, मतलब जो कर्म है, कर्मों के कारण ही उपद्रव आते हैं बराबर, तो कर्मों का क्षय हो जाता है इस स्तोत्र के पठन से, तो ये ध्यान रखना है। और हम क्या करते हैं चैत्य वंदन में, हम स्तवन के वहां पर स्थान पर ये उवसग्गहरम स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, और साथ ही साथ नव स्मरण में भी ये फोर्थ स्मरण के स्थान में ये इसको इसका स्मरण किया जाता है, ये ध्यान रखना है। और इसमें कई सारे मंत्र छुपी तरीके से, मतलब ये मंत्र गर्भित स्तोत्र है, ये भी ध्यान रखना है। तो हमने ये समझ लिया, तो जब भी आप उवसग्गहरम स्तोत्र की माला गिनने बैठो तो पवित्र आसन, पवित्र भूमि और ईस्ट दिशा की तरफ मुंह रख के आपको बैठना है, तो आपके सभी जो भी शुभ संकल्प होंगे वो सब पूरे हो जाएंगे, ध्यान रखना है। उपद्रव होंगे वो सब शांत हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्या है, श्री जय विराय सूत्र, तो ये गाथा हम ग्रहण करेंगे, सभी को साथ में कहना है जय विराय। कई सारे क्या करते हैं, ये य जो है ये य को उड़ा देते और सिर्फ कहते हैं जय विराय, ऐसा कहते हैं, जय विराय नहीं है, जय विराय है, ये ध्यान रखना है बराबर। तो हाँ, सूत्र ग्रहण करेंगे, जय विराय जग गुरु हो मम तुहप भावो भयवम, यहाँ पे डबल प है तो तुहप भावो भयवम ऐसे कहना है। आगे है भव निव्वेओ मग्गाणु सारिया इठ फल सिद्धि लोघ विरुद्ध चाओ गुरु जान पुआ परथ करणम च सुह गुरु जोगो तव्वयण सेवणा आभव म खंडा वारिजयी जयी वि निआण बंधनम वियराय तुह समये तह वि मम हुज्ज सेवा भवे भवे तुम्ह चलनानम दुख खो कमक खो समाहि मरणम च बोहि लाभो अ संपज्जौ मह एम तुह नाह प्रणाम करणेणम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयति शासनम बराबर। तो ये हमने सूत्र ग्रहण किया, सभी को बैठ कर लेना है। अभी हम शब्दार्थ और विशेषार्थ की तरफ चलेंगे। इसका मीनिंग क्या है, जय मतलब जय विराय मतलब जय पामो, मतलब कि हे वितराग देव भगवान आपकी जय हो। विराय मतलब कि वितराग, वित्त मतलब कि राग के बिना, वित्त मतलब के बिना, किसके बिना, राग के बिना। तो जो वितरागी बन चुके हैं इस प्रकार के जो अरिहंत भगवान हैं, जो प्रभु हैं, वे जय उनकी जय हो। इस प्रकार से हम पहले जब भी राजा के पास जाते तो ऐसी कहते हैं ना, सब प्रजाजन ऐसे ही कहते हैं कि आपकी जय हो। तो ये प्रभु कौन है, तीन लोक के नाथ हैं, तो सबसे पहले हम जाएंगे तो सबसे पहले हम इसी प्रकार से हम स्टार्टिंग में इस प्रकार से हम क्या करते हैं, उनकी स्तवना, उनका जय जयकार करते हैं। फिर आगे है जगत गुरु, मतलब ये है जगत गुरु, जगत मतलब ये जगत जितना है चौदराज लोक, तो उसके गुरु हैं सबसे, मतलब इनके कारण ही हमें सब शास्त्र ज्ञान प्राप्त हुआ है, इस कारण इनको जगत के गुरु कहलाया गया है। आगे हो मम मतलब मुझे हो, फिर क्या हो आगे लिखा है
कि तुह प्रभावो, मतलब कि आपके प्रभाव से, आपके प्रभाव से मुझे क्या हो, आगे है भयवम। हे भगवान, भगवान किसको कहलाया जाता है, भगवान इस शब्द का मतलब क्या है? भगवान सिर्फ उसी को कहलाया जाता है कि जो ऐश्वर्य के युक्त है। भग मतलब कि ऐश्वर्य और वान मतलब उसके युक्त। तो ऐश्वर्य मतलब कैसा है ऐश्वर्य? उनके पास संपत्ति धन दौलत तो है नहीं, तो कौन सा ऐश्वर्य? जो जब केवल ज्ञान उनको प्रकट होता है उसके बाद जो आपको दिखाई देता है बाह्य ऐश्वर्य दिखाई देता है। दो प्रकार के ऐश्वर्य होते हैं मेन, तो एक तो बाह्य और दूसरा है आंतरिक ऐश्वर्य। हाँ, तो ये बाह्य ऐश्वर्य कैसा है? जो अष्ट महाप्रातिहार्य समवसरण एक्सेट्रा आपको जो प्रभु के आसपास जो दिखाई देता है वो सब ऐश्वर्य। तो उसके युक्त जो है उनको कहला जाता है भगवान। और आंतरिक ऐश्वर्य कैसा है? तो जब केवल ज्ञान प्रभु को प्रकट हो जाता है उसके बाद क्या होता है? आंतरिक ऐश्वर्य मतलब कि क्या? ऐश्वर्य मतलब कि लक्ष्मी। तो आंतरिक लक्ष्मी कैसी है? गुण रूपी लक्ष्मी जिसके पास है, मतलब कि प्रभु के पास जो चार स्वाभाविक आत्मिक ज्ञान जो प्रकट हो चुके हैं, तो वो गुण रूपी जो ऐश्वर्य या फिर लक्ष्मी है तो उसको कहलाया जाता है आंतरिक ऐश्वर्य। तो इस प्रकार के ऐश्वर्य के युक्त जो हो उनको कहलाया जाता है भगवान, ये ध्यान रखना है। और तो ये अरिहंत भगवान की बात है, बात चल रही है यहाँ पे। तो क्या इसमें क्या विनंती की गई कि है वितरागी, मतलब जिन्होंने जिनका जो राग द्वेष जो मोहनीय कर्मों के ऊपर विजय जिन्होंने प्राप्त कर ली है, वितरागी बन चुके हैं, इस प्रकार के हे वितराग भगवान आपकी जय हो, जो आप जगत गुरु हो, आपके प्रभाव से हे भगवान मुझे हो क्या हो। तो अभी यहाँ पे कितने 13 याचनाएं की गई है, हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे 13 प्रकार की अलग अलग याचना करने वाले हैं, मतलब कि मांगने वाले वस्तुएं, कुछ 14 अलग अलग वस्तुएं मांगने वाले हैं प्रभु के प्रभाव से ये सब मुझे प्राप्त हो। मतलब यहाँ पर भी कितना विनम्रता बताई गई है बराबर, कि प्रभु के प्रभाव से हमें मिले ये सब। हम ये नहीं कह रहे कि मेरे खुद के सामर्थ्य से मैं सब हासिल कर लूंगा, ये अगर हमारी सोच हो, ये हमारा जो भाव हो, तो उसको कहलाता है कि हमारे में अहंकार है। तो ऐसा अहंकार वाली सोच हमें नहीं रखना है, इस प्रकार के भाव नहीं रखने हैं कि मुझे प्राप्त हो, मैं खुद से प्राप्त कर लूंगा, इस प्रकार के अहंकारी या अभिमान वाले भाव नहीं रखने। पर क्या करना है? आपके प्रभाव से, मतलब कि प्रभु आपके प्रभाव से मुझे सब मिले, इस प्रकार के नम्रता वाले जो भाव हम रखेंगे तो इजीली ये सब मिल जाएगा। बट अहंकार वाले भाव होंगे तो ये सब नहीं मिलेगा, क्योंकि खुद ही एक कर्म है बराबर। अभिमान कषाय है, वो मोहनीय कर्म का एक स्वरूप है अहंकार। तो इस कारण यहाँ पे शास्त्रकार भगवान हमें क्या कह रहे हैं कि इस प्रकार से हमें कहना है कि आपके प्रभाव से भगवान मुझे 13 प्रकार की वस्तुएं प्राप्त हो। तो सबसे पहली वस्तु कौन सी है, सबसे इंपॉर्टेंट, वो है भव निव्यो। मतलब क्या? भव के ऊपर मुझे वैराग्य की प्राप्ति हो, मतलब मैं कंटाल जाऊं इस संसार से, ये हम मांग रहे हैं। क्या मांग रहे हैं? कि मैं इस संसार से कंटाल जाऊं। कितना सिंपल हमें सुन के कैसा लग रहा है कि ये हम क्यों मांग रहे हैं कि इस जो भी जीवन है या जो ये हम जी रहे हैं इसको क्या कहलाया जाता है? भव। ये हमारे जो भव चल रहे हैं, ये भव, ये अंतिम भव नहीं, इसके बाद दूसरा भव है, फिर और भव होते जाएंगे। अनादिकाल से हम भटकते ही आ रहे हैं ना, भव के ऊपर भव चलते जा रहे हैं, नेवर एंडिंग, ये चलता जा रहा है एक प्रोसेस। तो इसको कहलाया जाता है संसार, या फिर भव भी कह सकते हैं बराबर। तो ये जो संसार है या फिर भवों की जो परंपरा है, तो इसके ऊपर मुझे कंटाला आ जाए, ये हम मांग रहे हैं। सोचो, ये मांगने जैसी वस्तु है क्या? ऑब्वियसली मांगने जैसी वस्तु है, कारण कि हम कुछ ये संसार से कंटाल नहीं चुके हैं। हम ये संसार, ये जो भव है उसके ऊपर बहुत ज्यादा राग है, और इसी राग के कारण हमें नए नए भव करने पड़ रहे हैं, और ज्यादा भव बढ़ते जा रहे हैं। संसार का परिभ्रमण ये स्टॉप हो ही नहीं रहा है, बढ़ते चला जा रहा है, नेवर एंडिंग चलते जा रहा है। क्यों? उसका रीजन ये है क्योंकि हमें सच में
इस भव के ऊपर निर्वेद आया नहीं, भवों के ऊपर निर्वेद या फिर कंटाला आया ही नहीं है हमें, बराबर। मतलब कि भवों के ऊपर या ये संसार के ऊपर कंटाला आना मतलब क्या, वैराग्य गुण, वैराग्य गुण हमारे में प्रकट हुआ ही नहीं, तो हम वैराग्य गुण यहाँ पे मांग रहे हैं। मतलब वैराग्य गुण मतलब कि क्या, कि राग ना, मतलब राग ना हट जाए इस संसार के ऊपर, बराबर। वैराग्य मतलब कि क्या, राग निकल जाए हमारे आत्मा में से, राग वाला जो भाव है संसार के ऊपर, जो राग वाला भाव है तो वो हट जाए, निकल जाए और इस संसार से हम कंटल जाए, इस प्रकार का हमें सहज भाव आ जाए। तो ये हमें मांगना पड़ रहा है, क्यों? क्योंकि हमें अभी तक जो रियल वैराग्य गुण हमारे में प्रकट हुआ ही नहीं है संसार के ऊपर। हमें जो आप सोच रहे हो कि नहीं नहीं मुझे ये संसार में इतना सब दुख है, इतना सब प्रॉब्लम है, मुझे इस भाव में मैं सच में कंटाल गया हूं, तो आप सिर्फ किससे कंटाले हो, जो ये संसार में जो आपको दुख मिल रहे हैं उससे आप कंटाले हो। आप कुछ, आपको थोड़ा सा अगर आपको जो इच्छित वस्तुएं मिल जाएंगी, जो पैसा मिल जाएगा 1 करोड़ के, जो अमिताभ बच्चन आपको कहेगा कि कांग्रेचुलेशन 1 करोड़ रुपए जीत गए आप, और चेक पे साइन करके देगा, तो आप तो कितने खुश हो जाओगे इस संसार में, है ना। तो आप कुछ, हम सारे, आप मतलब हम सारे कुछ सच में ये जो संसार है, जो पौद्गलिक सुख है, उससे हम कंटाले नहीं है, उसके ऊपर वैराग्य भाव आया ही नहीं है हमें। सिर्फ ये जो दुख मिल रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स तकलीफें हो रही हैं, इस सब का सामना करना पड़ रहा है, चाहे वो बिजनेस में हो, पारिवारिक प्रॉब्लम्स हो, बिजनेस प्रॉब्लम, पारिवारिक प्रॉब्लम, या कोई भी प्रकार का प्रॉब्लम हो, या रोग हो, शरीर का प्रॉब्लम, व्याधि आदि, व्याधि उपाधि कुछ भी हो, बराबर, उस सब से हम पीड़ित है, उससे हम दुखी हो चुके हैं। मतलब हम सिर्फ दुख से, इन शॉर्ट सच में देखा जाए तो जो भी हम हमारे खुद के किए हुए कर्मों के कारण जो फल मिल रहे हैं, अशुभ कर्मों के जो फल, प्रतिकूलताएं मिल रहे हैं, उससे हम कंटाले हैं, उसको वैराग्य नहीं कहलाया जाता है, खास ध्यान रखना है, बराबर। दुख के ऊपर दुख, मतलब इस दुख से हम, दुख के ऊपर हमें जो कंटाला आया हो तो उसको वैराग्य नहीं कहलाया जाता, खास ध्यान रखना है, बराबर। जो आपको सांसारिक सुख जो है, सांसारिक सुख के ऊपर भी आपको जो कंटाला आएगा, जो, तो ही उसको क्या कहलाया जाएगा कि हाँ अब सच में आपको वैराग्य गुण प्रकट हुआ है, नहीं तो नहीं, बराबर। थोड़ा भी आपको सुख एसी में या फिर ऐसे बड़े बंगले में आपको मिल जाएगा रहने, या फिर आपके जो प्रॉब्लम है सारे सॉल्व हो जाएंगे, बिजनेस में प्रॉफिट होगा, या फिर वेकेशन पे आप चले जाओगे तब आप कहोगे नहीं नहीं बहुत मजा आ रहा है, बहुत हम बहुत खुश है, बहुत सुखी है, भगवान के कृपा से हमें सब सुख मिल रहे हैं, बराबर। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि आपको ये जो भाव मिला है, ये संसार है, इसके ऊपर आपको राग है, मतलब राग है ना, यही कहलाया जाएगा ना, और राग वाली अवस्था आपको पसंद आ रहा है, मजा आ रहा है, तो इसको राग जो है, तो इसको वैराग्य कैसे कहोगे आप? वैराग्य इज ऑपोजिट ऑफ राग, जो राग हो तो वैराग्य नहीं होता है, इट इज ऑपोजिट, कंप्लीटली ऑपोजिट। दैट मीन्स कि हमें सच में वैराग्य गुण प्रकट हुआ ही नहीं है, बराबर। जो भी हम आसपास, हमारे हमारा जो चतुर्विध संघ है, तो चतुर्विध संघ में 2 भाग ऐसे हैं, चतुर्विध मतलब 4 प्रकार के जो लोग होते हैं, व्यक्ति होते हैं, उनको चतुर्विध मतलब 4 प्रकार के लोग, जिसको का एक समूह है, उसको कहलाया जाता है चतुर्विध संघ। तो उस चतुर्विध संघ में आप नजर डालोगे तो जो 2 प्रकार के, खाली सिर्फ 2 प्रकार के जो लोग हैं, व्यक्ति हैं, महात्मा हैं, उनको साधु और साध्वी जी भगवंत कहलाया जाता है, बराबर। तो ये जो साधु और साध्वी जी भगवंत हैं, तो कहलाया जा सकता है कि इनको हाँ सच में वैराग्य गुण इनमें प्रकट हुआ है, इसी कारण इनको जो संसार में जो भी सुख है, जो दुख है, उसके साथ सुख भी है, उसके ऊपर से उनको वैराग्य गुण मतलब वैराग्य हुआ है, मतलब कि सच में कंटाला आया है, राग जो है वो मिट गया, इसी कारण उन्होंने क्या किया, कितने सारे आप देख सकते हो कि करोड़पति पप्पा के बच्चे लोग, उनके बेटे बेटियां, वो उस कंफर्ट और कन्वीनियंस और लग्जरी को छोड़ के, उसको त्याग करके वे साधु साध्वी बन मतलब अभी भी बन रहे ना, दीक्षा स्वीकार रहे हैं, संसार को त्याग कर रहे हैं,
संस्कार को त्याग कर रहे, मतलब उस सुख पे भौगोलिक सुख है उसको छोड़ के उसको त्याग रहे हैं। सिर्फ दुख आपको लगता होगा खाली दुख को त्याग किया है, बहुत दुखी होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सांसारिक सुख भी होते हैं, तो सबका त्याग करके वे क्या करते, साधुत्व स्वीकारते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें सच में वैराग्य गुण प्रकट हुआ है, उनको संसार का सही रियल स्वरूप मतलब का संसार का सही स्वरूप उनको दिख गया है कि कैसा संसार पूरा दुखमय है, बराबर। तो ये हमें अभी तक नहीं आया, इसी कारण हम सारे अभी यहाँ पे क्लास ले रहे हैं, सुन रहे हैं सब, बराबर। क्योंकि हम चतुर्विध संघ के ये दो प्रकार में से हम नहीं है अभी तक, बराबर। श्रावक श्राविका बन के ऐसे ही बैठे हैं क्योंकि हमें संसार में मजा आ रहा है रहने, तो इसी कारण हमें यही मांगना है कि हमें वैराग्य गुण प्रकट हो, भव निर्वेद प्राप्त हो, बराबर। आगे दूसरा क्या याचना कर रहे हैं हम, मग्घाणुसारिया। दूसरी याचना क्या है, मग्घाणुसारिया, मतलब कि मार्गानुसारी जीवन हमें प्राप्त हो, ये हम मांग रहे हैं। जो मार्गानुसारी जीवन है मतलब कैसा, जो महापुरुष जो भी होते हैं, तो महापुरुष जो सही मार्ग के ऊपर चल के उन्होंने क्या किया है, मोक्ष की प्राप्ति कर चुके हैं या फिर मोक्ष जाने वाले हैं, तो इस प्रकार के जो भी महापुरुष है तो उन्होंने किस प्रकार का जीवन जिया है, तो उसी मार्ग का मैं भी हमको क्या करना है, अनुसरण करना है, बराबर। मार्गानुसारी मतलब मार्ग का अनुसारी, अनुसारी मतलब कि कॉपी करना, उसके उस मार्ग के अनुसार चलना, बराबर। तो वे जिस मार्ग पे चले हो उसी मार्ग का अनुसरण, उसी मार्ग के ऊपर मैं चल सकूं, तो ये हम मांग रहे हैं, बराबर। क्योंकि हम जिस मार्ग पर चल रहे हैं अभी, ये देखो दो प्रकार के मार्ग हैं, एक तो नॉर्थ जो जाता है वो एक मार्ग है, नॉर्थ साइड जाता है वैसा एक मार्ग है, दूसरा एक साउथ साइड जाता है वो एक मार्ग है, वो एक डायरेक्शन है। हम यहाँ पे खड़े हैं, बराबर। तो हम सारे के सारे इस साउथ डायरेक्शन में जा रहे हैं, जो संसार बढ़ा रहा है इस गलत डायरेक्शन में हम सब चल रहे हैं, इस मार्ग पे चल रहे हैं, पाप वाले मार्ग पर चल रहे हैं। पर जो महापुरुष बन चुके हैं, बराबर, तो वो जो महासती महासत्ता जो भी है, अरिहंत भगवान के जीव हैं, वो सारे के सारे नॉर्थ डायरेक्शन मतलब कि जो मोक्ष का डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में वे जा रहे हैं, उस राइट डायरेक्शन है, तो हमें इनके पथ पर चलना है, इनको अनुसरण करना है, बराबर। पर जो अधम लोग हैं, जो अभवी जीव हैं हो, या फिर जो मोक्ष के जो मोक्ष की दिशा के तरफ जिनका ये गमन ना चल रहा हो, उस डायरेक्शन पे हमें नहीं चलना है। कई सारे क्या करते हैं, मूवीज देखते हैं, क्रिकेट देखते हैं, और फिर क्या करते हैं कि उनको, या फिर बिजनेस न्यूज वो सब देखते, तो उनको क्या लगता है कि नहीं नहीं मुझे भी जिस प्रकार से ये एक्स वाई जेड व्यक्ति है, ये किस प्रकार से ये सीईओ बन चुका है फॉरेन की कंपनी का, इतना बड़ा सीईओ बन चुका है, या फिर बिलियनर बन चुका है इंडिया में, या फिर कोई ये क्रिकेटर बन चुका है एकदम पॉपुलर, या फिर एक्टर या एक्ट्रेस किस मार्ग पे चल रहे, बस मैं भी, ये मेरा आइडल है, बराबर। क्या है, ये मेरा आइडल है और मैं भी इसी प्रकार से चलूंगा तो मैं भी सक्सेसफुल हो जाऊंगा। तो वो सारे के सारे आपके जो आइडल आप बना के बैठे हो, वो किस मार्ग पे जा रहे हैं, दुर्गति के मार्ग पे जा रहे हैं या फिर संसार की वृद्धि के मार्ग पे चल रहे हैं, वो उनका कॉपी नहीं करना है आपको, उसका इन सभी को आइडल आपका बना के नहीं बैठ जाना है। उनको आइडल बनाओगे तो वो जिस दुर्गति में गिरने वाले है ना, आगे जाके दुर्गति के खाई में गिरने वाले हैं, मतलब कि तीरंच नरक आदि परंपरा उनका सर्जन होने वाला है, उनका महाभयंकर, तो आप उनको जो आइडल बना के बैठ जाओगे, उनको कॉपी करने बैठोगे ना, तो उस मार्ग को अनुसार उस मार्ग का अनुसरण करोगे तो उनके जैसे आप भी खाई में गिर जाओगे, दुर्गति रूपी खाई में। उनका सब हमें अनुसरण नहीं करना है, पर किसका अनुसरण करना है, जो भी अरिहंत भगवान जो बने हैं हमारे, इतने सारे अनंता सिद्ध बने हैं, जो महापुरुष है, उनका जीवन चरित्र हमें पढ़ना है, समझना है कि वे उन्होंने किस प्रकार से कैसे हर चीज में लाइफ के हर एक टर्निंग पॉइंट कब आया, कैसे आया उन्होंने, वे कैसे चले, कौन से गुण है मार्गानुसारी के, कितने गुण होते हैं, 35 गुण है, तो वे इन गुणों की वृद्धि
और इन गुणों को प्रकट कैसे किया, फिर उन गुणों की वृद्धि किस तरीके से की, और इन गुण की वृद्धि की फिर श्रावक के जो 21 गुण थे वे प्रकट किए, इसकी वृद्धि की आगे जाके किस प्रकार से उन्होंने फिर इतने गुण की वृद्धि की, फिर आगे जाके सिद्ध बन चुके वे, और सारे के सारे जो भी अनंत गुण है वो सारे के सारे प्रकट कर लिए उन्होंने, 100% टोटल सारे गुण प्रकट किए। मतलब स्टार्ट तो कहाँ से किया, मार्गानुसारी के 35 गुण से स्टार्ट किया, फिर श्रावक के 21 गुण इतने प्रकट किए, फिर आगे आगे चल चल के सारे के सारे 100% सारे आत्मा के गुण प्रकट कर लिए। तो किस तरीके से किए वो आपको टिप्स एंड ट्रिक्स उनसे उनके जीवन से आपको लेने हैं, ग्रहण करने हैं, और उस वही मार्ग पे आपको चलना है, ये खास ध्यान रखना है बराबर। तो क्या होगा, आपको सदगति मतलब अच्छी अच्छी गति मिलेगी, जो मनुष्य गति मिलेगी तो भी सुख में आपको प्रतिकूलताएं नहीं मिलेगी पर अनुकूलताएं मिलेंगी, जो आप इनके मार्ग पे चलोगे बराबर, सही मार्ग पे चलोगे तो आपको प्रॉब्लम्स भी नहीं आएंगे। प्रॉब्लम्स किस वजह से आते हैं, कर्मों की वजह से आएंगे बराबर, पर आप अशुभ कर्मों का बंद करोगे ही नहीं तो कैसे आएंगे, है ना। तो और दूसरी बात यही है कि जो गुण इतने प्रकट करोगे तो उसका मतलब क्या, इन अदर वर्ड्स इट मीन्स कि अपने कर्मों का नाश कर रहे हो, कर्मों का नाश करोगे तभी तो ये गुण प्रकट होंगे ना आपके आत्मा में, ऐसी थोड़ी होंगे बराबर। गुण को प्रकट करना उसको इन अदर वर्ड्स वही कहलाया जाता है कि आप कर्मों का नाश कर रहे हो बराबर। तो गुण प्रकट करना यानी कि कर्मों का नाश करना सिंपल वर्ड्स में, तो इस ऐसे करोगे तो आपको सदगति की परंपरा मिलते मिलते आपको लास्ट में क्या मिलेगा, मोक्ष की अवस्था प्राप्त हो जाएगी, ये ध्यान रखना है बराबर। तो यही हम मांग रहे हैं कि हमें मार्गानुसारी जीवन की प्राप्ति हो, ये सेकंड हमारी याचना है बराबर, क्योंकि अभी तक हम चल नहीं रहे हैं। जो भी हमारा जो जीवन हो कैसा हो, दान वाला हो, दानशील तप भाव वो भी सम्यक प्रकार से करें, नीति न्याय नीति पूर्वकम जीवन जिए बराबर, अनीति से दूर रहें, ईर्ष्या ना करें, कृपणता नहीं करें, कलह झगड़ा कंकास वो सब ना करें बराबर, ये सब नहीं करेंगे। मतलब क्या, सिंपल वर्ड से गुण हमें प्रकटाने हैं मार्गानुसारी के 35, ये ध्यान रखना है हमें। तो ये हम मांग रहे हैं कि मार्गानुसारी के 35 गुण हमें प्रकट हो और इस मार्ग पे हम चल पाए। फिर आगे दूसरा क्या है, और ये भी है कि हमारा जो जीवन हमारा स्वभाव अच्छा हो, मैत्री वाला स्वभाव हो, द्वेष भाव निकल जाए, और सभी जीवों के प्रति हमारी शुभेच्छा वाला ही वैसा ही हमारा मतलब वैसा ही हमारा स्वभाव बन जाए कि सबका अच्छा हम सोचें, किसी का बुरा ना हो ऐसा। तीसरी मांग, तीसरा क्या मांग रहे हैं, इट्ठ फल सिद्धि। इट्ठ मतलब कि इष्ट, इष्ट मतलब कि इच्छित मनपसंद, फल फल मतलब फल और सिद्धि की प्राप्ति। मतलब हम क्या मांग रहे हैं कि जो भी इच्छित फल हो सारे के सारे इच्छित फल जो भी इच्छित फल हो सारे के सारे वो मुझे प्राप्त हो जाएं। पर यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि हम कोई भी अशुभ फल नहीं मांग रहे कि अशुभ फल हो तो वो पूरे हो जाएंगे। तो आप अशुभ फल मांगोगे तो फिर आपकी अधोगति होगी मतलब दुर्गति मिलेगी, तो अशुभ फल तो आपको मांगनी नहीं है, ये सब ध्यान रखना है, सब वस्तुएं बराबर। जो भी मांगना है अच्छे फल ही मांगने हैं बराबर, सम्यक फल मांगने हैं हमें, अशुभ फलों को की मांगनी करनी ही नहीं है। तो सिंपल जो हमारी जरूरत है कि हमारा जैसे कि आजीविका है वो बराबर मैं चला सकूं, इतना हम मांग सकते हैं बराबर। तो आजीविका बराबर चल पाए तो फिर क्या हो सकता है, उससे हमारी जो चित्त है मन है उसकी शांति फिर बनी रहेगी, है ना। जो हमारी जो कितने कितने साधर्मिक ऐसे होते हैं जिनकी आजीविका में बहुत प्रॉब्लम होता है, तो आजीविका चला नहीं पाते उस कारण उनका जो चित्त है ना वो फिर शांति चित्त की शांति होती नहीं है, और उस कारण फिर क्या होता है वो प्रॉपरली धर्म मतलब भगवान की भक्ति पूजा उसमें ध्यान भी वे लगा नहीं पाते हैं बराबर। तो सिर्फ आजीविका हम चला पाए, आजीविका चलाना मतलब क्या कि जो जीने के लिए जो नेसेसरी वस्तुएं हैं बराबर, जीने के लिए जो नेसेसरी वस्तुएं बस वो ही मिल जाएं, उसको कहते हैं कि आजीविका प्रॉपरली चल पाए, बस इतना हम मांग सकते हैं, ये मांग सकते हैं। पर ये नहीं मांगने हमें कि एक्स्ट्रा लग्जरी हमारे लग्जरी के लिए हम संपत्तियां मांग रहे हो बराबर, वो सब हमें मांगना नहीं है,
हमें यही मांगना है कि आजीविका प्रॉपरली चले और एक्स्ट्रा जो भी हो तो वो मैं क्या करूं, जो जो सम्यक मार्ग है उसमें मैं दान आप दे सकूं, बराबर। मोक्ष शौक के लिए कुछ नहीं मांगना है, ये खास ध्यान रखना है, बराबर। हमारी चित्त की शांति के लिए हम यहाँ पे मांग रहे हैं, सो दैट हमें हम प्रॉपरली धर्म में ध्यान हमारा लग सके, इसके लिए यहाँ पे मांग रहे हैं। दूसरा दूसरा जो रोग हो तो रोग आदि भी शांत हो जाए, बराबर। शरीर भी जो निरोगी होगा तो ऑटोमेटिकली जो मन है तो मन की समाधि टिक पाएगी, तो इस कारण हम यही मांग रहे कि निरोगी अवस्था जो प्राप्त हो तो क्या हो सकता है, मन स्थिर हो सकता है, मन में समाधि की प्राप्ति हो सकती है, और हम ज्यादा से ज्यादा ये जो शरीर है उसको उसका हम साधन के रूप में उसका यूज कर सके, सो दैट हमारा ज्यादा कर्मों की निर्जरा हो पाए और प्रभु में हम ध्यान लगा पाए मोक्षी अवस्था प्राप्त करने के लिए, बराबर। पर जो हम ये भी ध्यान रखना है कि जो हमारे निकाचित कर्म हो और आजीविका में फिर भी प्रॉब्लम रहे, रोग आदि हो, तो हमें समता भाव रखना है, ये ध्यान रखना है, बराबर। हाय वो ही नहीं करना है कि हाय हाय ये क्या हो रहा है, हमें यही ट्राई करना है कि चित्त की प्रसन्नता रहे, मन की शांति रहे, ये सब कर्मों के कारण हुआ है। तीन वचन के विरुद्ध बोला गया हो तो मिच्छा में दुक्रम सर्व मंगल मांगलम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्व धर्माणम जैनम ज्योति शासनम प्रणाम।